ग्वालियर में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर हिंदू सेना द्वारा युवक युवतियों को पार्कों से भगाने और घर पर रहने की सलाह दी गई एवं हिंदू सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू सेना के संभागीय महामंत्री ने कहा कि पश्चिम देशों की सभ्यता का कई हिंदू संगठन हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे देश में वैलेंटाइन डे के नाम से हमारी सभ्यता और संस्कार के साथ गलत कृत्य करेगा तो हम इनका विरोध करते रहेंगे। हमारा विरोध ये सालों से चला आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हम लोगों ने देखा था कि गुड़ी पड़वा के दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता था, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों ने और विदेशी ताकतों ने उसको 1 जनवरी के लिए घोषित कर दिया कैलेंडर बदलने पे। हम लोगों ने उस समय विरोध नहीं किया, तो आज स्थिति ये है कि नई पीढ़ी 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को नया साल मनाती है, जबकि गुड़ी पड़वा पे जो हिंदू नववर्ष मनाया नहीं जाता उसी परंपरा को हिंदुस्तान के अंदर फिर फैलाया जाता है वैलेंटाइन डे के रूप में। ये लगातार बताते हैं 7 दिन का प्रोग्राम है जिसमें किस डे हक डे दुनिया भर के रोज जो होते हैं उनका हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं। आपने देखा 2006 के समथिंग हमारे बाजार सजने लगे थे, ग्रीटिंग कार्ड बनने लगे थे, वैलेंटाइन डे के बेल्ट बनने लगे थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने विरोध किया और हिंदू सेना ने लगातार विरोध करके आज उन सभी चीज़ों को खत्म कर दिया है। पश्चिमी सभ्यता को हम हिंदू समाज के अंदर नहीं आने देंगे और हिंदुस्तान की धरती पर इस तरह का किसी भी तरह कोई कृत्य करेगा तो हम ये सहन नहीं करेंगे। हिंदू सेना इसका पुरजोर विरोध करेगी।